तो दोस्तों आज इंडियन कार्स वर्सेस लग्जरी कार्स का क्रैश टेस्ट नहीं करेंगे गाइस, आज करेंगे ऑफरोडिंग टेस्ट। और बीएस सेडान्स भी ऐड है इस वीडियो में, बट पहले उससे पहले मैं आपको ट्रैक दिखा दूं कैसा ट्रैक है। ये हमारी सारी कार्स खड़ी है, चार इंडियन कार्स और चार सुपर कार लग्जरी कार्स कह सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यार, यहाँ पे एक थोड़ा सा पानी है जिसको इस कार ने पास करना है। एसयूवी तो कर जाएंगे बट सेडान्स का क्या ही बनेगा मुझे नहीं पता। यहाँ से जाना है फिर कार्स को और ऊपर जाना है, और भैया सीधा सीधा जाके जो है यहाँ से और भैया इसको क्रॉस करना है, और फिर यहाँ पे फाइनल जो है हमारा पॉइंट बनेगा। इससे यहाँ पे कहीं खड़ा देंगे कार्स को। तो ये ट्रैक ज्यादा लंबा तो नहीं है बट मुश्किल बहुत ज्यादा है, क्योंकि भैया इतनी इतनी बढ़िया कार्स लेके आए हैं आज तो आपके लिए। और भैया कार्स देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे। यहाँ पे एस क्लास मर्सिडीज की एस क्लास, और वो भी न्यू शेप 2023 की। ये मोड अपने पास पड़ा था तो मैंने ले आया। सस्पेंशन देख रहे हो कितने अंदर बाहर हो रहे हैं, और इंटीरियर तो यार कुछ अलग ही लेवल का है। स्टेयरिंग व्हील न्यू शेप का है, तो मैं आगे वाला डोर भी खोल के दिखा रहा हूँ, फिर मैं पीछे वाला खोल के देख ही दिया है अपने। और ये देखो पहले पीछे वाला, ये कितनी बढ़िया मस्त व्हाइट कलर का इंटीरियर, और भैया डोर कितना शानदार है, फ्लश डोर हैंडल बिल्कुल XUV700 कितना। और भैया स्टेयरिंग व्हील देख रहे हो बिल्कुल न्यू शेप, और अंदर कितनी बड़ी स्क्रीन, और क्या ही जबरदस्त लुक है, मतलब यार जबरदस्त। वे इसको बंद कर देते हैं। फिर है सबने अपने साथ में फोर्ड ब्रोंको, और भैया ये फोर्ड की सबसे मस्त कार लगती है मुझे, एंडेवर से भी ज्यादा बढ़िया, कि ये यार इतनी मस्त ऑफ रोडर है तो क्या ही बताऊं। ये यहाँ पे फोर्ड ने एक बड़ा हुआ बनाया हॉर्स। और ये है भैया अपनी हमर H2, भाई इतनी बड़ी गाड़ी है कि यार कोई भी गाड़ी इसके कंपेरिजन में नहीं आती। फिर है अपनी जैगवार, आई नो ये एक इंडियन ब्रांड है, बन चुका है अभी तो, बट हमने ले आए इसको लग्जरी सेगमेंट में, बिकॉज ऑलमोस्ट लग्जरी सेगमेंट का ही है ये। और भैया यहाँ पे लग्जरी सेगमेंट का तो क्या ही बताऊँ, ये जो लूमा है ना, लूमा ब्रांड जो इसको कस्टमाइज करता है, उसको ही कस्टमाइज की हुई कार है। तो मतलब जैगवार भी अल्ट्रा है भैया, जैगवार अल्ट्रा यहाँ पे लग्जरी बन जाती है ये। और भैया इंटीरियर तो जबरदस्त है, जैगवार एफ पेस है इसका नाम गाड़ी का, एसयूवी है ये भी। और यहाँ पे है भैया अपनी सियाज, और भाई ये तो यहाँ पे एस क्लास के कंपैरिजन में खड़ी की है हमने, बट ये क्या ये गड्ढे पार कर पाएगी पता नहीं। टाटा हैरियर की इतनी ही जबरदस्त यहाँ पे खड़ी है भैया ये। और फिर है लेजेंडर ब्लैक कलर में, आज तो भैया लेजेंडरी कलर है ये। और फिर स्कॉर्पियो एन जो कि है व्हाइट कलर में। तो भाई शुरू करते हैं, कौन सी कार जो है सबसे बेस्ट परफॉर्म कर पाएगी पता नहीं, बट यहाँ पे शुरू करते हैं सियाज से। और भाई मारुति सुजुकी सियाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार थी एक टाइम पे शायद, इसकी सेडान्स में से बहुत अच्छा नाम कमाया इसने, बट यहाँ पे कमा पाएगी कुछ या फिर नहीं, या फिर बंद ही हो जाएगी। तो साइड से लेके चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत डाउनग्रेडेड कार है। और भैया यहीं से बंद हो गई है तो भाई ये तो भाई कुछ गलत गजब ही हो गया। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम बाहर निकलते हैं, अपनी अगली कार जो होने वाली है वो एस क्लास ही है, तो इससे टो कर लेंगे गाइस वो कार को, और टो करने की मैं कोशिश कर लूंगा। भाई ये एस क्लास ना अल्ट्रा लग्जरियस है, मतलब S500 है, बट फिर भी यार देख सकते हो ब्लैक कलर की रूफ। यहाँ पे बहुत और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, और भैया मेबैक भी अपने पास फिलहाल ये एस क्लास लेके आए हैं। ये भी भैया ग्राउंड क्लियरेंस की कमी तो रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट है तो यार अल्टीमेटली एक सेडान ही एट द एंड ऑफ द डे, तो सेडान का कितना पावर होती है वो आपको पता ही है। और भैया ये देख रहे हो यहाँ से जा रही है भैया एस क्लास पूरा दम लगा के। भैया इसकी जो बैक साइड है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है भैया, सियाज को तो मैं खींच लाया बैक, और भैया इसको जो है एस क्लास को लेके चलते हैं अभी। और भैया एस क्लास का एक टायर ऊपर कभी नीचे, ये रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन है तो आप समझ सकते हो इतनी ज़्यादा पावर तो नहीं होगी, बट एक मर्सिडीज का इंजन है तो भैया पावर की कमी भी नहीं होगी। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल न्यू शेप का, कितनी बढ़िया डायमंड कट जो है यहाँ पे सभी चीज़ें लगी हुई हैं। पीछे भी देख सकते हो कि इंटीरियर क्या ही जबरदस्त, यहाँ पे स्टार लाइनिंग की गई है, और भैया क्या कहते हैं इसे कार्बन फाइबर की जो यहाँ पे फिनिशिंग की गई है दोस्तों, और भाई सब कुछ बढ़िया से मस्त अरेंज किया हुआ है। और भाई ये एस क्लास टच हो गई थी उसके साथ में स्कॉर्पियन के साथ, हेडलाइट्स बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं दोस्तों। और भाई यहाँ से निकलना थोड़ा सा आसान तो नहीं होगा, बट निकल जाएंगे हम तो, अपनी कार जो है ना अल्ट्रा लग्जरियस है, क्योंकि यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं भैया। मैं पहले ना इसको पोजीशन पे ले आता हूँ इसको, तो भैया अभी गुजरने की कोशिश करेंगे। और भैया ये एस क्लास में लगाई पावर, और भाई एस क्लास वहाँ से तो निकल गई, बट क्या ये पार कर पाएगी भैया, बहुत ऊंची खाई है ये। और भैया पानी से निकल के यहाँ पे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, ये पानी तो पार कर गई एस क्लास, और दोबारा से कोशिश कर लेते हैं यार। तो भैया यहाँ पे जो है कोशिश जारी है एस क्लास की, और भाई देख सकते हो कितने धमाकेदार तरीके से एस क्लास चल रही है भैया एस क्लास। ओ भाई साहब टायर कितने चौड़े हैं, देख रहे हो यहाँ पे टायर बहुत चौड़े हैं भैया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुश देता हूँ, क्योंकि ये सेडान अल्टीमेटली एक पुश देना बनता ही है यार। यहाँ पे पुश दे दिया तो सेडान यहाँ पे आ चुकी है भैया, सबसे लग्जरी सेडान में से एक है। और भैया ये अगर मेबैक होती तो भैया क्या ही लग्जरी होती, बट थोड़ी लंबी भी होती, इसलिए मैंने नहीं लिया मेबैक फिलहाल यहाँ पे। और हमारे पास मेबैक है वैसे यार, वो बता दूं मैं।
और भाई यहाँ पे एस क्लास अटक रही है भैया, और मेबैक तो इसे भी लंबी होती तो मैंने नई नई ऐड की इस वीडियो में, वो है अपने पास S580, तो वो इससे भी ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरीस है, डुअल टोन पेंट में है भैया। और भाई देख रहे हो यहाँ पे हम जा रहे हैं बड़े आराम से, और भैया एस क्लास ने इसको पार तो कर लिया है फिलहाल, यहाँ पे देखते हैं पार कर पाएगी। बाकी यार सियाज से तो बेटर रही, क्योंकि सियाज तो पानी में ही बंद हो गई, हमें कुछ तो देना बनता था बट वो तो पानी में ही बंद हो गई थी यार। और भैया इसके अलॉयज देख रहे हो कितने शानदार है यहाँ पे, और कितने इंच के हैं वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, R21 मतलब 21 इंच के अलॉयज भैया, काफ़ी शानदार। अपन लोग स्कॉर्पियो में लगाते हैं भैया 21 इंच के, और यहाँ पे एस क्लास में लगे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो क्या ही पावर होने वाली है, और क्या ही भौकाली जो है इसकी लुक्स होने वाली है भैया, बहुत ज़बरदस्त। तो भैया एस क्लास ने तो कर लिया है ये पार, थोड़ा सा कुछ तो लिया इसने इस पानी से निकलने के लिए, बट कोई बात नहीं हम इसको इग्नोर करेंगे। और भैया ये जो है क्या निकल गया, तो भैया यहाँ पे ना सियाज अपनी बीच में खड़ी है, बट कोई बात नहीं हम इसको साइड में कर लेंगे इस टाटा हैरियर से ही। भैया टाटा हैरियर बहुत एक जगह पे खड़ी थी, उबड़ खाबड़ जगह पे, इसको पहले ना अपनी हैरियर को, हैरियर से सियाज को साइड में करते हैं। मैं यहाँ पे हैरियर से टो कर लेता हूँ भैया सियाज, सॉरी ये नहीं, तो मैं सियाज टो करनी है। तो भैया ये सियाज नहीं टो रही है, जैगवार टो हो रही है, मैं सियाज को टो कर लेता हूँ पहले क्योंकि साइड में खड़ी। चलो छोड़ो यार, सियाज को भी फिर साइड करेंगे अगर ये टाटा हैरियर पार हो गई तो, कहीं इसको टोइंग की जरूरत ना पड़ जाए भैया। मैं बड़े आराम से लेके चलता हूँ, और भाई टाटा हैरियर यहाँ पे बंद पड़ गई भैया, यही बात सच हो गई हमारी, इसको भी टोइंग की जरूरत पड़ गई है भैया अभी। और इसके टक्कर की जो यहाँ पे हमने जैगवार की खड़ी की है, जो कि टाटा की अंडर ही आती है भैया ब्रांड, और भाई जैगवार एफ पेस वो भी भैया किसका, ल्यूमा से डिजाइन किया हुआ भाई साहब, इतना मस्त इंटीरियर, और भाई मून रूफ देख रहे हो कितना बड़ा, ऐसा लग रहा है छत ही नहीं है। तो चलो यार लेके चलते हैं, ल्यूमा की बैजिंग उस पर भी है सीट पे, और भैया कितना बड़ा मून रूफ है ये, और भाई जैगवार से टो करेंगे हम। और भैया वाइड पैनल्स लगे हुए हैं बॉडी पे, यहाँ पे अलॉय व्हील्स भी नए लगे हुए हैं, तो भैया जैगवार नॉर्मल वाले से तो बहुत अलग है ये। और भाई ये जा नहीं रही है, यहाँ पे पत्थर पे चढ़ गई थी, और टायर ना पूरे नए लगे हुए बहुत ज़्यादा चौड़े चौड़े, और भाई ये जैगवार यहाँ पे खींच नहीं पा रही टाटा हैरियर को, क्योंकि टाटा हैरियर फंस चुकी थी गड्ढे में। और भाई यहाँ पे हैरियर के साथ चक्कर में यहाँ पे टच ना हो जाए, हम बिल्कुल संभाल के लेके चलेंगे इसको। तो टाटा हैरियर को लगा देते हैं भैया यहाँ पे, भैया टो तो बहुत मस्त करती है यार ये, और भैया टाटा हैरियर अपनी जगह पे आ चुकी है वापस, तो भैया टो तो होएंगी बहुत ज़्यादा हो गई टोइंग। अभी चलते हैं अपनी जैगवार की बारी है भैया, और भाई देखते हैं कि ये क्या कमाल कर पाएगी। वैसे 4x2 लग रही है मुझे, रियर व्हील ड्राइव ही कर रहा था, बाकी 4x4 में देख लेते हैं ट्राई करके। और भाई जैगवार तो चली गई है, तो ज़्यादा ही ऊपर चली गई, बट आगे से डेंट आ गए भैया इसके। और भाई जैगवार तो जैगवार है भैया, यहाँ पे देखते हैं जा पाएगी या फिर नहीं, भाई इतनी ऑफरोडिंग के लिए तो नहीं बनी है ये, बट ये तो निकल गई भैया, ये यहाँ से भी निकल गई। और भाई ये खतानों में से कहाँ पे जा रही है चट्टानों को साइड करते हुए, बोनट इसका खुल चुका है, मतलब पूरी हालत तो खराब हो चुकी है, बट रस्सी जल गई बट बल नहीं गया भैया इसका। और भाई ये देख रहे हो यहाँ पे, ओ भाई थोड़ा सा एंगल से टिल्ट करवा के फिर ऊपर लाना पड़ेगा, फिर जाएगी ये। और भाई ये लो पत्थर साइड में कर दिए मैंने, तो भैया यहाँ से हम जा रहे हैं। और भैया जैगवार भी जो है यहाँ पे, मतलब यार लग्जरी सेगमेंट की सभी कार जो है ना, ओ भाई बोनेट ही खुल गया भाई साहब, बोनेट खुल गया भैया जैगवार का, लग्जरी सेगमेंट की सारी कार जो है ना कैपेबल दिख रही हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि लग्जरी सेगमेंट ही कैपेबल होता है भैया, अपना इंडियन सेगमेंट भी ऐसी बहुत सी कार्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, बट इसके ब्रेक क्यों नहीं लग रहे हैं पता नहीं। और भाई ये तो नीचे फिसल गई, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ भाई, जो नीचे फिसल गई थी, और भाई धक्का दे के देखते हैं नहीं तो वरना ऊपर ले जाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो इसको तो यहाँ पे पूरी रेस खींच दी मैंने, और भैया जैगवार ऊपर नहीं चढ़ पा रही, मैंने कुछ दे दिया, और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ऊपर चली गई, तो भैया यहाँ पे आ गई जैगवार एक्सप्रेस, बेस को बड़े आराम से ले जाएंगे और बड़े आराम से खड़ी करेंगे यहाँ पे। तो भाई ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बट यहाँ पे इसका बॉनेट खुला हुआ बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है यार, मैं दिखाऊँ आपको हीरा इंजन, और भाई क्या ही जबरदस्त, अंदर तक भी भैया वही सेम कलर होता है, आपको पता ही है चैसी में, यहाँ पे जैगवार लिखा हुआ है, जैगवार लिखो दो दो बार, मतलब कोई भूल जाए तो यहाँ से देख सकता है। और यहाँ पे चलते हैं अपनी दूसरी ही कार के साथ में जंगलों के बीच, आज हम बहुत मजे ले रहे हैं भैया। फिर है अपनी टाटा हैरियर हो चुकी है, अपनी सियाज हो चुकी है, फिर अभी बारी स्कॉर्पियो एन की भैया, देखते हैं स्कॉर्पियो एन कितना कैपेबल रह पाती है। और भैया स्कॉर्पियन हो चुकी है स्टार्ट, और भैया इन दोनों में से बीच में से निकलती हुई स्क्रैच तो आज बहुत लगे भैया, यहाँ से निकल के देखते हैं स्कॉर्पियन निकल पाएगी।
और भाई स्कॉर्पियन को तो क्यों नहीं निकलना यार, स्कॉर्पियन तो बनी ही इन चीजों के लिए है, ये बहुत रफ एंड टफ गाड़ी है, बट यहाँ पे पता चल जाएगा असली क्या है इसकी गाड़ी का दरअसल। और भाई यहाँ पे स्कॉर्पियन चढ़ नहीं पा रही थी, बट इसने एक धक्का सा लिया और भाई चढ़ रही थी, बट फिर से डिग्रुक गई ये कार। और भाई देखते हैं दोबारा से, भाई ये तो 4x4 है, ये क्यों नहीं चढ़ पा रही है। और भाई ये मुझे लग रहा है 4x2 वाला वर्जन उठा रहा है पा। ओ भाई ये लो, ये तो चली गई थी अभी। भाई ये मुझे 4x2 लग रही है ये वाला मॉडल, स्पेसिफिक मॉडल देखो, पिछले टायर वर्क कर रहे हैं, आगे वाले तो मतलब बिल्कुल धक्के से चल रहे हैं वैसे। और ये मैं ले गया भैया स्कॉर्पियन, बहुत भैया वाइड बॉडी एंगल है इसका, वाइड बॉडी है तो इसलिए चढ़ नहीं पा रही है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्कॉर्पियन नहीं चढ़ सकती। मैं पूरी रेस देख के देखता हूँ। और भाई ये स्कॉर्पियन गई और चली जानी चाहिए इस बार, तो चली ही गई भैया स्कॉर्पियन, चली गई यहाँ से बड़े आराम से चली गई, बट थोड़ा सा टाइम लगा हमने। और भैया स्कॉर्पियन तो बहुत बढ़िया SUV है भैया। और भाई ये क्या हो गया, इसकी थोड़ी सी तारीफ तो क्या कर दी हमने। और भाई यहाँ से निकल रही है एक टायर ऊपर, और ये लो भाई ये लो बहुत बढ़िया बॉक्सी डिजाइन वाले SUV ना यार, सारी पसंद लगती है वो, बहुत बढ़िया लगती है जो बॉक्सी डिजाइन होती है। चलो भाई स्कॉर्पियन ऐसी पहली इंडियन सेगमेंट की गाड़ी है जो कि यहाँ पे पहुंची है, क्योंकि टाटा हैरियर और सियाज तो वहाँ पे फेल हो गए थे। टाटा हैरियर है भी भैया 4x2, तो बेचारी यार पानी में ही रह गई थी, सियाज भी पानी में रह गई थी। सियाज को तो मतलब मानते हैं यार पानी में रहना ही चाहिए, क्योंकि वो एक सेडान है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि सेडान पार नहीं कर सकती, अपनी मर्सिडीज की सेडान भी पार कर गई, बट वो थोड़ी सी बेचारी मारुति थी इसलिए रह गई यार। तो चलो यार अगली गाड़ी जो हमारी होने वाली है वो कौन सी है, अभी है हमारी ब्रोंको। और भाई इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है ऑफ रोडिंग में, मतलब जीप रैंगलर से टक्कर लेती है ये गाड़ी। और भाई देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या कमाल है, और भाई रैंगलर की तरह रूबिकॉन की तरह ना इसका भी जो रूफ निकल जाती है भैया, तो आपको अंदर से दिखाता हूँ पहले इसकी इंटीरियर। और भाई यहाँ पे स्विचेस वगैरह दी गई हैं, तो भैया यहाँ पे ब्रोंको भी लिखा हुआ है ऑरेंज कलर, वही सेम जो बाहर है वो येलो कलर, ऑरेंज कह लो येलो कह लो वही अंदर है भैया। इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसका तो ना मतलब यार बड़े आराम से जाएगी। और मैं एक स्टंट करना चाहता हूँ जो कि अगर आप अनुमति दो तो भैया यहाँ पे सियाज पे चढ़ाने वाले हैं हम ये ब्रोंको, भैया देखते हैं चढ़ पाती है या फिर नहीं। तो भैया ये तो ब्रोंको ऊपर चढ़ गई सियाज के भाई एक बार ही में, और भाई पलट भी ना जाएगी, ज्यादा शो ऑफ कर रही है। और भैया सियाज भी भैया मारुति है कैरियर, वैसे तो मैं क्रैश टेस्ट में 0-0 लाती हूँ, बट इस वीडियो में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, कोई बात नहीं इस वीडियो में बड़े आराम से लेके आएंगे। तो भैया यहाँ पे ब्रोंको यहाँ पे चढ़ चुकी है अपनी, और देखते हैं ऊपर चढ़ पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ब्रोंको बड़े आराम से आ रही है भैया, यहाँ पे मैं फिर से पूछ दूंगा। और भैया बिल्कुल नॉर्मल थ्रॉटल है, मैं ऐसे नहीं कि दूर से ला रहा हूँ, बड़े आराम से लाएंगे। और भाई ये लो बड़े आराम से चढ़ गई भैया, ये तो मतलब कुछ दम लगा ही नहीं भैया इसका। और भाई मेरे को बिल्कुल भी पुश करनी नहीं पड़ी, ये गाड़ी बड़े आराम से खुद ब खुद अपने आप चलती हुई जा रही है, बस एक पंजा रखना है पैर, और यहाँ पे जो है उड़ जाती है गाड़ी। ये देखो कितनी स्पीड पे चलेगी, और भाई ओ भाई पलट गई, शो ऑफ करने का नतीजा देखो भाई, इसके डिफरेंशियल लॉक इतने तगड़े वाले लगे हुए ना, क्या ही बताऊँ, मस्त है भैया ये गाड़ी। और भैया फोर्ड ब्रोंको तो यहाँ पे आ गई, अभी हमर भी बाकी है, और यहाँ पे फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी बाकी है भैया, तो यहाँ पे हमर के लिए सभी वेट कर लेना। और भैया ये ब्रोंको भाई एक टायर ऊपर, भाई सच में रेंगुलर से कॉम्पिटिट करने वाली गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है भैया ये। तो भैया ये तो हो गई पार, अभी बारी आती है फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, जो कि है मौज बहार, और भैया ब्लैक कलर में आज लेजेंडर बहुत ज़्यादा जबरदस्त लग रही है, ये देखो ये कितनी बढ़िया लग रही है लुक्स इसकी। और भैया ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर यार बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ज़्यादा आग लगती है। और यहाँ पे जो है ना भैया लेके जा चुके हैं हम लेजेंडर को भी लेके चलते हैं, और भैया मैं थोड़ा सा धक्का मारूंगा कार को और एकदम बढ़िया से चल जाएगी ये, और लेके चलते हैं इसको अंदर पानी में। तो मैं यहाँ पे फिलहाल फॉर्च्यूनर लेजेंडर को ले आया, और भैया बॉनेट तक पानी में डूब गया था, बट ये जो है बंद नहीं पड़ी, कि है ही इतनी कैपेबल, बट यहाँ ना बंद पड़ जाए, अपनी बेइज्जती ना करवा दे। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या चढ़ पाएगी ये कार या फिर नहीं, यहाँ पे तो स्कॉर्पियन भी नहीं रुकी भैया, ये तो क्या ही चीज़ है। और भैया पानी देख रहे हो कितना गहरा है, आप ऐसे बोलोगे कि ऐसे कर रहा है, ये देखो पूरी डूब चुकी है कार अंदर, वाटर वेइंग कैपेसिटी की मतलब ऊपर जा चुका है पानी। और भाई ये लो फॉर्चूनर, भैया थोड़ी सी तो दम लगा, बट ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं, बड़े आराम से जो ये फॉर्चूनर है वो आराम से चली गई, और एक टायर अभी भी ऊपर। और भाई ये लो इतनी कैपेबल SUV है ये, और देख सकते हो गाइस बड़े आराम से चल रही है ये।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये भी पार कर गई भैया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रही है ये तो आज। फॉर्चुनर लेजेंडर है तो भैया क्या ही छोड़ेगी, यहाँ पे लेजेंडरी कार के साथ में ऐसा ही होता है भैया एक्सपीरियंस। और भाई ग्रीनरी आज कितनी बढ़िया लग रही है, तो फॉर्चुनर लेजेंडर को यहीं पे खड़ी करते हैं, एक टायर ऊपर ही खड़ा उसका। और भैया अभी सबको जो जिसका इंतजार था वो है हम वी यानी कि हमर, वो भी H2 भाई H2। ये देख रहे हो इसकी शेप ही इतनी ऑर्डिनरी है, मतलब यार सेलिब्रिटी हो चाहे मेरे जैसा कोई लड़का हो, मतलब सबको पसंद आती है ये गाड़ी। चलो यार चलाते हैं। हेडलाइट्स भी जो है यहाँ पे बहुत बढ़िया ओल्ड स्कूल है, और भैया बॉक्सी डिज़ाइन है, इसके पीछे स्पेयर व्हील भी आता है। ये इंटीरियर है, ये कुछ ऐसा इंटीरियर बहुत बढ़िया इंटीरियर है, डोर्स पे ये कंट्रोल्स। और भैया लेके चलते हैं हमर को, फ्यूल जो है टैंक देख सकते फुल है, हैंड ब्रेक की लाइट तक जलती है भैया। और बताओ क्या चाहिए आपको, ये देख रहे मैं यहाँ पे हैंड ब्रेक दबाया, यहाँ पे लाइट जल गई भैया, बहुत बढ़िया वर्किंग मोड है। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे बता देना। और इसके फुटस्टेप भी लगे हुए हैं भैया यहाँ पे, ऊपर जो है रूफ रेलिंग लगी हुई है, मतलब अगर कुछ सामान रख के जाना हो ना तो ये हम भी कुछ भी कर सकती है। और पानी के अंदर तो ऐसे चलेगी जैसे मक्खन, और भी कीचड़ के अंदर तो और भी मत। और भाई ये क्या हो गया, मेरे से हॉर्न दब गया, सॉरी यार सॉरी। तो भाई यहाँ पे बंद ना पड़ जाए यार, बंद पड़ गई क्योंकि हमने जो है ज़्यादा देर पानी में खड़ी कर दी ये कार। तो ऐसा करते हैं गाइस, वैसे तो ये बंद नहीं होनी चाहिए थी, इसको रिटेस्ट करते हैं गाइस क्योंकि ये हमने हमारी गलती की वजह से बंद हो गई, इसको मैंने से रिपेयर कर लिया अभी। तो अभी देखते हैं ये बंद पड़ेगी या फिर नहीं, वैसे नहीं पड़नी चाहिए बट मैंने जो है ज़्यादा झटका सा दे दिया। तो अभी देखो यार पानी में बंद तो नहीं पड़ेगी ये, और भाई ये तो पलट गई पलट गई भाई, मास ग्रेविटी सब कुछ लग जाता है इस पर, इतनी बड़ी गाड़ी है यार सोचो क्या ही कुछ है। और ये बिल्कुल हाथी गैंडे जैसी गाड़ी है, यहाँ से पार हो पाएगी या फिर नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस चाहिए इसको जाने के लिए, और एक हमर को तो यार कितनी ही जगह चाहिए होती है और ये बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। बट ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी ऐसा बोल रही है कि यार ऐसा लग रहा है कि ये भैया यहाँ से पार तो हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और भैया इसका बूट खुल गया भैया इसका, और भैया शायद फ्रैंकलिन भैया ने लॉक नहीं किया होगा अच्छी तरह से, इसीलिए खुल गया, यहाँ पे टक्कर मारने से खुल गया। और ये तो पलट रही है गाड़ी, और ये क्या हो रहा है गाइज, मैं यहाँ पे पुश करके देखता हूँ भैया, सीधी नहीं होने की आ रही है यार, ये तो गाड़ी बड़ी मस्त थी यार, फुल थ्रॉटल दी हूँ, इसको सीधी कर लेते हैं भैया पहले तो सीधी करके। ओ भाई बॉनेट खुल गया इसका भैया, ओ भाई मैंने सीधी तो कर ली है, डोर्स भी टूट चुके हैं यार इसके तो, मतलब पूरा कचरा हो गया आज तो भैया। फिर से हमर को चढ़ाएंगे बट थोड़ा सा ना पहले रिपेयर कर लेते हैं, ऐसे अच्छी नहीं लगती हमर। तो भैया अभी देखो अभी लुक्स आ रही है ना असली वाली, एक सेलिब्रिटी वाली लुक्स आ रही है भैया। हमर यहाँ से नहीं हो रही है पार, और फिर से कोशिश करते हैं मौज बाहर भैया। हमर बहुत बड़ी गाड़ी है इसलिए जो है यहाँ पे दम लग रहा है, पीछे एक चट्टान है भैया उसके वजह से यहाँ पे रुकावट भी आ रही है, बट यहाँ पे हमर ने कर लिया पार नहीं हुई भैया। यहाँ पे ऐसे स्कॉर्पियन भी अटकी थी क्योंकि वो भी थोड़ी सी चौड़ी गाड़ी थी, बट इतनी तो नहीं थी भैया जितनी हमर है। और भैया ये हमर पलटने की वजह से भी बंद हो सकती है, इसका बूट भी टूट चुका है बट यहाँ पे पार हो जाएगी भैया, मुझे ऐसा लग रहा है यार बार बार। और भैया ये पत्थर को कर दिया साइड, अब तो पार होना ही पड़ेगा भैया, अब तो साइड भी कर दिया सब कुछ। और भाई ये लो, और भाई हाथी जैसी गाड़ी भैया, देख रहे हो कैसे पार हो रही है, बूट इसका टूट चुका है, टेल गेट इसका टूट चुका है। और भाई ये लो पत्थर को तो नीचे दबा दिया है हमर ने। और भाई इतनी बड़ी गाड़ी थी, अभी तो पूरे गुस्से में आ चुकी है भाई देख लो, और भाई पूरी चट्टानों को चीरते हुए सबसे ऊपर यहाँ पे जाएगी ये गाड़ी। और भाई ये देख रहे हो मर्सिडीज एस क्लास के ऊपर चढ़ गई भाई, ओ भाई इसकी जैसी गाड़ी नहीं है भैया कोई भी। भैया यहाँ पे हमर को वापस लेके चलते हैं, और भैया इसको चढ़ाते हैं ऊपर एस क्लास के, फिर देखते हैं क्या बनता है। और भाई ये देख रहे हो यहाँ पे एस क्लास के ऊपर चढ़ने ही वाली है बिल्कुल, अगर चढ़ जाए तो मुझे नहीं लग रहा अभी चढ़ेगी, ये ग्रिप तो बहुत बनाने की कोशिश कर रही है। ओ भाई यहाँ पे ग्रिप बहुत अच्छी बन रही है इसकी अगर बनाए तो दोबारा से। और भैया हमर के टायर्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं भैया, ये ऐसी बात नहीं है। तो इसको मोड़ के लगाते हैं अभी, अभी देखते हैं पार कर पाएगी या फिर नहीं। तो मैं बैक कर लेता हूं भैया, अभी एस क्लास के ऊपर की बारी है भैया, एस क्लास को तो पूरा निचोड़ के रख देंगे आज तो, पता नहीं हम एस क्लास के पीछे क्यों पड़ गए बट कोई बात नहीं, कैसा भी हो भैया एस क्लास यहाँ पर जो है नहीं बचने वाली आज। बट ये हमर ही नहीं चढ़ पा रही है भैया इतने ऊपर, और भैया ये हमर पलट गई वापस चलेगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो प्लीज जय हिंद जय भारत।